फिर भाई मैंने कल कहा था ना आपसे कि आप बेड पर सो सकती हैं, फिर वहां क्यों सो रही हैं आप? ये क्या जिद लगा रखी है आपने? जिद नहीं है, मैं बस बेड पे नहीं सो सकती। क्यों, क्या प्रॉब्लम है बेड पे? या आप ये चाहती हैं कि मैं हर रोज आपके पास आऊं कि प्लीज प्रीति जी यहाँ सो जाइए ना, प्लीज प्रीति जी, ये चाहती हैं? ये बात भी नहीं है, मैं बस रोज बाम लगा के नहीं सोना चाहती। बाम मतलब? मतलब जिस तरह से आप सोते हैं मैं उस हालत में नहीं सो सकती। क्या मतलब है? मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ, क्या कहना चाह रही हैं? केटी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सोते नहीं है, आप ना कोई राष्ट्रीय गेम खेल रहे होते और पूरी रात देश को जिताने के लिए भागा दौड़ी करते, और उसी भागा दौड़ी में आपकी लात चली और मैं बिस्तर से गिर गई। ये क्या मनगढ़ंत बात की जा रही है? मनगढ़ंत बात नहीं है, सच है। मैं कल कितनी जोर से धम से गिरी हूँ वहां पर, मैं बस धक्के खाकर नहीं सो सकती। शर्म नहीं आती आपको ऐसे झूठ बोलते हुए? झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच है। हाँ ये सच है, जरूर सच है, तो प्रूफ दीजिए सच है। मैं नहीं मानता ऐसे सच को, ऐसे थोड़ी सोता हूँ मैं, कोई ऐसे नहीं सोता। पता नहीं कब तक बंद करेंगे ये टीवी, इनके टीवी के शोर से नींद ही नहीं आती। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें अपने पति की कोख में पड़ रहे बच्चे के असली पिता की पहचान करनी है तो जाओ और करा दो उसका डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट से तो पता चल ही जाएगा ना आखिर तुम्हारी पत्नी के बच्चे का असली बाप कौन है। डीएनए टेस्ट? हाँ, डीएनए टेस्ट हो सकता है, ये सही रहेगा। नहीं, मैं नहीं मानने वाला। किसलिए? ये टीवी इतनी जल्दी बंद नहीं होगा, मैं आराम से सोऊंगा आज। केटी जी को पूरा यकीन है कि अर्जुन उनका बेटा नहीं, लेकिन नंदिनी अर्जुन और कुशाला जी को पूरा यकीन है कि अर्जुन उन्हीं का बेटा है। सच है तो प्रूफ दीजिए, मैं नहीं मानता इसे सच। अगर तुम्हें अपने पत्नी की कोख में पल रहे बच्चे के असली पिता की पहचान करनी है तो जाओ और करा दो उसका डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट ही सबके मन का वहम दूर करेगा और सारी सच्चाई सामने लाएगा। मेरे केटी का अंश है, ये मेरा पोता है, मुझे इसकी डेट ऑफ बर्थ भी पता है, 29th August। इसकी एज और नंदिनी का हमारा घर छोड़ के जाना बिल्कुल एक टाइम पे था, मतलब नंदिनी प्रेग्नेंट थी जब वो हमारे घर से गई। माना मैंने गलती की है कीर्तन, लेकिन हमारे बच्चे की इसमें क्या गलती? तुम्हारा खून है कीर्तन, तुम्हारा अंश, इसे तो सजा मत। अगर ये मेरा बच्चा होता तो 17 साल तक तुम चुप क्यों रही? अगर मैं 99% मान भी लूं कि नंदिनी झूठी है,
अर्जुन केटी जी का बेटा नहीं। फिर भी 1% चांस तो हो सकता है ना कि केटी जी ही अर्जुन के पिता है। और अगर ऐसा हुआ तो एक बेटा अपने पिता के प्यार से और पिता अपने बेटे के प्यार से दूर रह जाएगा। इस 1% की संभावना के लिए मेरा और मुझसे ज्यादा केटी जी का सच तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मुझे इनका DNA टेस्ट करवाना ही होगा। DNA पेटर्निटी टेस्ट एक पिता का अपने बच्चे के साथ बायोलॉजिकल रिश्ता जांचने का 100% एक्यूरेट तरीका होता है। इस टेस्ट में जांच के लिए बाल, मुंह की लार या खून के नमूने इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये सब मैं अरेंज कर सकती हूँ। केटी जी प्लीज, मानती हूँ आपके बाल बड़े अच्छे काले घने हैं, लेकिन मैं बस थोड़ा सा काटूंगी, मेरा काम बन जाएगा। ये क्या कर रही है प्रीति? केटी के बाल क्यों काट रही है? इस प्रीति से तो मैं बाद में निपट लूंगी, अभी ये फोन लेना जरूरी है। सपना ही है, सोचे
रोक सकता हूँ नहीं। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।